हरियाणा में 90 सीटों पर हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। चुनावी रिजल्ट में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी 40 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने आई है। दूसरे नंबर पर कांग्रेस 31 सीटों के साथ है। हालांकि इस चुनाव में बहुमत किस पार्टी को हासिल होता है इसका अभी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इस बीच हरियाणा चुनाव के बाद अब 10 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर जननायक जनता पार्टी जेजेपी किंगमेकर की भूमिका में सामने आई है। इसी वजह से जेजेपी अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला ने आज दिल्ली में पार्टी कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। इस बैठक में तय होगा कि जेजेपी भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस में किसे समर्थन देगी। साथ ही नई सरकार के लिए जेजेपी के रूप को भी तय किया जाएगा। किंगमेकर की रूप में उभरी जननायक जनता पार्टी ने फिलहाल अपने पत्ते खोलने से इनकार कर दिया है। गुरुवार को दुष्यंत सिंह चौटाला ने कहा था कि उन्होंने पार्टी की रणनीति पर चर्चा करने के लिए दिल्ली में शुक्रवार सुबह 11 बजे पार्टी कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। उनकी टिप्पणियों के बीच ये खबर आई है कि वह चुनाव के बाद होने वाले किसी भी समझौते के लिए वह शर्त के तौर पर मुख्यमंत्री पद के लिए जोर दे रहे हैं। बता दें कि 90 सदस्यीय हरियाणा विधानसभा में कोई भी पार्टी बहुमत के जादुई आंकड़ों को पार करने की स्थिति में नहीं है। नवगठित जेजेपी किंगमेकर की भूमिका निभा सकती है। दुष्यंत चौटाला पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल के पड़पोते और जेल में बंद इनेलो नेता और पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के पोते हैं। 2014 में सांसद रहे दुष्यंत ने इंडियन नेशनल लोकदल से अलग होकर अपने भाई दिग्विजय चौटाला के साथ नई पार्टी बनाई है। इस खबर में बस इतना ही।